इस क्वेश्चन को करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो देखते हैं कि कैसे इसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाते हैं जहां पे प्रॉब्लम होती है ज्यादा। सो देखो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि दो स्टेटमेंट्स बनेंगे, मतलब दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे। तो दो इक्वेशंस कैसे फॉर्म होगी ये कैसे पता चला आपको सर? तो आप देखेंगे बोला जा रहा है फाइव ईयर हैंस, इसका मतलब कि पांच साल बाद, एंड फाइव ईयर्स अगो, इसका मतलब पांच साल पहले। अब यहां पे दो लोग हैं, एक जैकॉब एंड हिज सन, समझ में आ रहा है? दो लोग। सो आप लोगों को पहले तो लेट करना पड़ेगा। सो लेट द एजेस ऑफ जैकॉब एंड हिज सन। सो जैकॉब का मैं ले लेता हूं इज एक्स एंड हिज सन इज वाई, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो फर्स्ट लाइन जब आप पढ़ोगे फाइव इयर्स हैंस बोला जा रहा है, यानी पांच साल बाद। सो पांच ऐड कर दो दोनों में, ऐड कर दिया। आगे देखो द एज ऑफ जैकॉब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना? अब इसमें बोला जा रहा है कि जैकॉब की जो एज है ना ये थ्री टाइम्स है उसके लड़के से। तो जैकॉब थ्री टाइम्स है अपने लड़के से, तो अगर मैं उसके लड़के में थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका लड़के की एज और उसकी एज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी कि नहीं? तभी ना इक्वल आएगा जब उसके लड़के में क्या करूंगा मैं थ्री से मल्टीप्लाई, समझ में आया? चलिए अब ये चीज अगर आपने समझ लिया तो आप इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करिए। देखिए x प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस 15 हो गया, इसको इधर लाइए। सो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव को उधर ले जाइए। सो 15 माइनस फाइव कितना आ गया? 10, यही हुआ ना। सो x, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना है तो यहां पे x निकाल लीजिए, x क्या होगा तो 10 इधर ही है, 3y को उधर ले जाइए तो प्लस 3y। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं इसलिए मैंने x इक्वल टू में इसे लिख दिया। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। सो 5 इयर्स अगो सेम पैटर्न आप उठा के लाइए ऐसे x और y। बोला जा रहा है 5 इयर्स अगो यानी 5 साल पहले, तो 5 इयर्स पहले दोनों को ले जाना पड़ेगा, जैकॉब और उसके लड़के को। जैकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बोला जा रहा है कि जो जैकॉब की एज है ना ये 7 टाइम्स है उसके लड़के से। तो उसके लड़के में फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करिए ताकि उसकी एज और उसके लड़के की एज क्या हो जाए? इक्वल। तभी ये इक्वल का साइन वैलिड होगा। अब इसे डेवलप करिए। सो देखिए x माइनस फाइव ऐसे ही रहने दीजिए, इधर हो जाएगा क्या 7y माइनस 35, समझ में आया? 5 को उधर ले जाइए। सो x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5। अब x क्या हो गया इधर 7y माइनस 35 प्लस 5 क्या होगा? माइनस 30, समझ रहे हैं? अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करूंगा। तो यहां पे मैंने x निकाला है, अब इसी x को इस x की जगह मैं रख दूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा फर्स्ट पुट इन सेकेंड, इसमें इक्वेशन सेकंड में। सो एक्स की जगह पे पुट होगा। सो देखिए पुट होकर के डेवलप क्या करेगा, ये 10 प्लस 3y यहां लिखो, 10 प्लस 3y इक्वल टू 7y माइनस 30।
अब देखो 7y, y इधर बड़ा है, इधर 3y छोटा है, तो 3y को 7y के पास ले जाएंगे ताकि माइनस करने में पॉजिटिव में रिजल्ट आए, और माइनस 30 को इधर लाइए। सो 10 प्लस 30 इक्वल टू 7y, अब ये इधर आया तो माइनस 3y हो गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। सो आगे इसे आप सॉल्व करिए, आप देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 7y माइनस 3y, कितना हो गया 4y। 4 से 40 काटिए, 10 टाइम्स में कटा, सो y का रिजल्ट आ गया, y कितना मिल गया 10। यानी उसका लड़का जिसको मैंने y एज्यूम किया था वो 10 साल का है, है ना, y 10 इयर्स यानी सन, लड़का कितने साल का हो गया 10 साल का। अब ये y आप पुट कर दीजिए चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, कहीं पे भी जहां मन करे, ठीक है। ले आइए, मैं इसको पुट कर देता हूं सेकंड में, आप किसी में भी करिए डजंट मैटर, रिजल्ट सेम आएगा। पुट इन सेकंड, सो देखो x इक्वल टू 7y है, सो 7 इंटू वाई कितना था 10 माइनस 30, यही है ना। सो देखो x इक्वल टू कितना हो गया 70 माइनस 30 कितना आया 40। सो उसके फादर की एज कितनी हो गई 40 इयर्स, ठीक है। सो यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। चलिए नोट करिए,